हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल का। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि कल ही रिलीज़ हुआ है। और जैसे कि उम्मीद हम लगा रहे थे कि भाई RO ARO का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आएगा, बट वो नहीं आया। वो किसी कारणवश बता रहे हैं कि उसमें प्रमोशन की कुछ प्रक्रियाएँ फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से इस साल तो नोटिफिकेशन नहीं आना है। और मुझे पता भी लग गया था, एक मेरी फ्रेंड है, उनके कोई जानने वाले हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO हैं, तो उन्होंने बताया था कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी। तो हो सकता है भाई इसीलिए इन्होंने ग्रुप सी डी वाली दे दी हो वैकेंसी। ठीक है, पद भी आपके अच्छे खासे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 जो है आपका। हम डायरेक्ट वैकेंसी के बारे में बताएंगे। देखो, नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, उसमें पढ़ने में कोई फायदा नहीं। हमारा मेन मेन जो चीज़ है, हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर 2024 की जो वैकेंसी है, देखिए, और ये हैं ग्रेड 3rd की। ठीक है, तो इसमें 583 वैकेंसी हैं, जिसमें से 517 आपकी हिंदी स्टेनोग्राफर की हैं और 566 वैकेंसी जो है आपकी इंग्लिश की हैं। ठीक है, 18 से 40 साल एज है और 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है। ठीक है, अब दूसरे कॉलम की हम बात करें, दूसरा जो है उसमें क्लैरिकल पोस्ट हैं, क्लैरिकल कैडर जो होता है जूनियर असिस्टेंट की और पेड अप्रेंटिस की, और लगभग 1054 वैकेंसी है। 932 आपकी जूनियर असिस्टेंट की हैं और 122 पोस्ट हैं पेड अप्रेंटिस की, और 18 से 40 साल इसकी एज है और CCC इसके लिए अनिवार्य है और स्टेनोग्राफर के लिए भी अनिवार्य है। उसमें ग्रेजुएशन है आपकी और इसमें आपकी जूनियर में इंटरमीडिएट विद CCC, ठीक, डॉइक वाले से या नीलीट से जिससे भी हो आपके पास होना चाहिए। और ये लगभग जो आपकी जो है ग्रेड पे, ये आपका जो जूनियर असिस्टेंट का वो 2000 है और पेड अप्रेंटिस जो है आपका 1900 ग्रेड पे का है, फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद आपकी थर्ड कॉलम में आ जाए तो ड्राइवर और कैटेगरी, ये आपकी ग्रुप डी वाली वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 30 वैकेंसी हैं, जिसके लिए हाई स्कूल और आपका हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस लगभग होना चाहिए। ठीक है, और 18 से 40 साल एज है। और उसके बाद चौथी जो कैटेगरी है, जिसमें आपकी प्रोसेस सर्वर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक है, और चौकीदार वगैरह, स्वीपर वगैरह की हैं, 1639 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज आपकी काफ़ी अच्छी खासी हैं। फॉर्म आपके 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और भाई देखिए, पहली बता दे रहा हूँ, इसकी जो फीस है बहुत भारी भरकम फीस है, ध्यान रखना। फीस इसकी 750 रुपये है कुछ फॉर्म के, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 850 रुपये, कुछ पोस्ट के लिए 950 रुपये है। और आप अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग आपको फीस इसकी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्म को जब भी भरें या खुद भरें या साइबर भरवाएं तो ध्यान से फॉर्म भरवाएं, क्योंकि एक बार गलत हो गया तो कोई चांसेस नहीं है कि इसकी करेक्शन विंडो खुले या ना खुले। ठीक है, तो फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से भरें। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है कि इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो लोग खासकर जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, वो 1250 मतलब 1200 वैकेंसी वाले हों या 5500 वाले हों, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब मैं इसके बारे में एक बात करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम के बारे में। अब बहुत से बच्चे शायद ये पूछें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम जब आपकी पिछली वैकेंसी आई थी वो आई थी अक्टूबर में, और आपका दिसंबर एंड जनवरी के मिड तक आपका एग्ज़ाम हो गया था, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। इस बार भी आप ये लिख के रख लीजिए, चाहे तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसका आपका दिसंबर के एंड या जनवरी के मिड तक आपका एग्ज़ाम हर हालत में हो जाएगा। मतलब ये होली तक हर हालत में ये मतलब फाइनली रिजल्ट दे देते हैं, मतलब ज्वाइनिंग करवा देते हैं। ठीक है, तो और अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें तो देखिए टाइपिंग, जो लोग टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट की उनकी बता दे रहा हूँ, स्टेनोग्राफर वालों की, तो देखिए स्टेनोग्राफर में जो है आपकी, आपको स्टेनो आनी चाहिए। ठीक है, CC, उसके बाद 25/30 हिंदी मिनट की, मतलब हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, और वैसे ही सेम आपका इसमें है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या आता है, बहुत से लोग टाइपिंग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो जो लोग टाइपिंग अब फिलहाल में भरेंगे फॉर्म को, तो भाई देखिए टाइपिंग पर ज़रूर लग जाइए। टाइपिंग इसकी बहुत सबसे बड़ा इशू टाइपिंग का ही होता है। आप किसी पोस्ट पे चले जाइए यार, टाइपिंग का किसी भी एग्जाम दे रहे हैं टाइपिंग वाला, तो टाइपिंग का तो मेन ही है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और ये देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल भी क्या होगा, तो हम मोटी मोटी ये बात है कि बस अपना अब फॉर्म 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तैयारी आपकी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा भाई 24 को फॉर्म लास्ट डेट होगी, हम तो तब कोर्स लेंगे या जो भी XYZ है आप अपना सेल्फ करना चाह रहे हैं, बट तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और 1-2 दिन में मैं इसका जो आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ग्रुप सी वाला, वो एक एनालिसिस करूँगा कि किस तरीके का पेपर आया था। वैसे पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता, मॉडरेट रहता है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वो बेनिफिट भी है कहीं ना कहीं, नेगेटिव चीज़ भी है क्योंकि कट ऑफ हाई चली जाती है। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।